सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वेदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। गल करांगे 14 अक्टूबर दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। पहली खबर दोस्तों, पंजाब असाम ते बंगाल च BSF दा वधिया अधिकार, 50 किलोमीटर दे दायरे च गिरफ्तारी दी मिली छोट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल दे अधिकारित खेतर नूं वधा दिता है अते हुण BSF अधिकारियों नूं गिरफ्तारी, तलाशी अते जब्त करन दे अधिकार दिते गए हन। BSF अधिकारी पछमी बंगाल, पंजाब अते असाम विच गिरफ्तारियां अते तलाशी लै सकणगे। BSF नूं CRPC पासपोर्ट एक्ट अते पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट दे तहत इह कारवाई करन दा अधिकार मिल गया है। असाम, पछमी बंगाल अते पंजाब विच BSF नूं पुलिस दी तर्ज ते तलाशी अते गिरफ्तारी दा अधिकार मिल गया है। BSF दे अधिकारी तीन राज्यां विच बंगलादेश अते पाकिस्तान सरहद तों 50 किलोमीटर तक देश दे सूबयां विच कारवाई कर सकणगे। पहलां इह सरहद 15 किलोमीटर सी, हालांकि इस दे नाल गुजरात विच BSF दा अधिकार खेतर घटा दित्ता गया है अते सरहद दी हद 80 किलोमीटर तों घटा के 50 किलोमीटर कर दित्ती गई है, जदों कि राजस्थान विच दायरा खेत्र पहला वांग 50 किलोमीटर रखा गया है। अगली खबर दोस्तों, साबका PM मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी, एम्स च भर्ती। साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नूं बुखार की शिकायत तो बाद एम्स दिल्ली विच भर्ती करवाया गया है। साल 2004 तो 2014 तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह इस साल कोरोना वायरस तो इनफेक्टेड हो गए सन। उन्हां दा 19 अप्रैल नूं कोरोना पॉजिटिव होने तो बाद एम्स दे ट्रामा सेंटर विच भर्ती करवाया गया सी। इस तो बाद 29 अप्रैल नूं उन्हां नूं एम्स दे ट्रामा सेंटर तो छुट्टी दे दित्ती गई सी। उन्हां दी उम्र 88 साल है अते उन्हां नूं शूगर दी वी बीमारी है। साबका प्रधानमंत्री दो बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। अगली खबर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल वालों पंजाब के व्यापारियों लिए 10 वड्डे ऐलान। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल वालों जलंधर विखे व्यापारियों नाल मुलाकात की गई। इस दौरान केजरीवाल ने पंजाब के व्यापारियों लिए 10 वड्डे ऐलान किए हैं। केजरीवाल ने वड्डा ऐलान करते हुए कहा कि व्यापारियों को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाएगी। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि मैनू व्यापारियों के कोलों कोई भी पैसा नहीं चाहिए और उन्होंने हर समस्यावां का हल किया जाएगा। इस मौके केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता ने एक मौका कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बादल परिवार को दिता है और हुण एक मौका पंजाब की जनता उन्होंने भी देवे। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर पंजाब च गुंडा टैक्स के धंधे सफाया कर दिते जाएंगे। अगली खबर दोस्तों, शहीद गज्जन सिंह का सरकारी सम्मान नाल होया अंतिम संस्कार, CM चन्नी ने दिता अर्थी नूं मोढ़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ सैक्टर विच अतवादियों नाल लोहा लैंदिआं शहीद होए नूरपुर बेदी के पिंड पंचरंडे के सिपाही गज्जन सिंह नूं सरकारी सन्मान नाल अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी जवानों की शहादत नूं सलाम करन पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद शहीद की अर्थी नूं मोढ़ा दिता। दस दिए कि 23 सिख रेजिमेंट के सिपाही गज्जन सिंह का इसे साल फरवरी महीने में विआह होया सी। जवान की शहादत तो बाद पिंड विच सोग दी लहर है। शहीद दी पत्नी दा रो रो के बुरा हाल है। गज्जन सिंह व्याह मौके अपनी बरात किसानी झंडे वाले ट्रैक्टर ते लै के गए सन। अगली खबर दोस्तों, 12वीं पास कर चुके विद्यार्थियों लई जरूरी खबर, PSEB ने इस प्रीख्या दी फीस ते शेड्यूल कीता जारी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों बतौर वाधू विशा बायोलॉजी की प्रीख्या देने दे इच्छुक प्रीख्यार्थियों लिए प्रीख्या फार्म अते फीस भरन का शेड्यूल जारी किया गया है। कंट्रोलर प्रीख्यावां JR महरोक वालों जारी की गई जानकारी अनुसार जे कोई प्रीख्यार्थी 12वीं श्रेणी का इम्तिहान पास करने उपरंत केवल बायोलॉजी विषय की प्रीख्या वाधू विषय वजों देनी चाहता है तो वह बोर्ड की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाए प्रीख्या फार्म ऑनलाइन भरन उपरंत 13 अक्टूबर तक सिक्ख्या बोर्ड के मुख दफ्तर विखे स्थित सिंगल विंडो से जमा करवा सकता है। अगली खबर दोस्तों, किसानों लिए वड्डी खबर, पंजाब च हुण 50% सबसिडी से उपलब्ध होणगे बीज। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खेतीबाड़ी विभाग की कणक बीज सबसिडी नीति 2021-22 नूं प्रवानगी दे दिती है। हुण सूबे के किसानों 50% सबसिडी से बीज मिलेगा। इस नीति के लागू होने नाल पंजाब सूबे के 1 लाख किसानों नूं लाभ होगा। सरकार ने हाड़ी के सीजन दौरान प्रति किसान 2000 रुपए की सीमा तय की है। छोटे और सीमांत किसानों नूं तरजीह दी जाएगी। नीति के तहत 20 करोड़ रुपए की सबसिडी के नाल कुल
2 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज मुहैया करवा के लगभग 1 लाख किसानों नूं सीधा लाभ होगा। खेतीबाड़ी मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने विभाग नूं छोटे अते सीमांत किसानों नूं सबसिडी वाले बीज मुहैया करवाउण नूं पहल देण दे निर्देश दिते। उन्हां कहा कि सबसिडी सिर्फ योग किसानों नूं दित्ती जाणी चाहीदी है अते सबसिडी दी रकम सीधे लाभपात्री किसानों दे खात्यां विच जां किसानों दी चोण अनुसार रजिस्टर्ड डीलरां दे बैंक खात्यां विच तब्दील की जानी चाहिए है। अगली खबर दोस्तों, BSF के अधिकारां च वाधे कारण पंजाब च भखी सियासत। पंजाब नूं लै के केंद्र सरकार ने वड्डा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने पंजाब, पछमी बंगाल अते असाम विच BSF दे अधिकार खेतर नूं वधाउण दा ऐलान किया है। इस आदेश दे तहत हुण BSF 50 किलोमीटर तक तलाशी अते गिरफ्तारी कर सकेगी। इस दे नाल ही BSF दे अधिकारां विच वाधे कारण पंजाब विच सियासत भग गई है। दरअसल कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि CM चन्नी ने अद्धा पंजाब केंद्र नूं सौंप दिता है। उन्होंने कहा कि 50,000 वर्ग किलोमीटर का अद्धा खेतर BSF नूं सौंप दिता गया है कि अणजाणे विच अद्धा पंजाब केंद्र नूं सौंप दिता गया है कि पंजाब पुलिस मुख दर्शक बन के खड़ी रहेगी। इस ट्वीट विच उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह अते CM चन्नी की मुलाकात का भी जिक्र किया है। अगली खबर दोस्तों, कोले की कमी बनी पंजाब लई चिंता का विषय। केंद्र सरकार ने कोले की घाट पिछे दसी ए वजह। पंजाब च बिजली संकट गहरा रहा है। इत्थे कदों बल्ब बुझ जाए अते कदों पखा रुक जाए कुछ क्या नहीं जा सकता। बत्ती गुल कदों होवेगी लोगों नूं इसदा तां अंदाजा हो गया है पर कदों आएगी इस बारे कुछ नहीं पता। यह हाल ने उस पंजाब दे हन जिस नूं सरकार पावर सरप्लस सूबा कहदियां ने अते बनाउण दा दम भी भरदियां हन। इस मुद्दे ते सियासत फुल है पर बत्ती गुल है अते लोकां कोल परेशानियां दी लिस्ट लंबी है। ना बिजली बिना खेती मुमकिन है अते ना ही विद्यार्थियों की पढ़ाई। मोहाली दे पिंड माजरी दे लोक तां कुछ दिन तो तराए बैठे हन क्योंकि पानी दी किल्लत पहला ही बहुत सी अते बिजली ना आउण करके मुश्किलां दुगणियां हो गईयां हन। बिजली दा संकट दी वजह कोले दी कमी है जिस करके पंजाब विच कई घंटियां दे कट लग रहे हन अते खासा यह है कि आउण वाले दिनां विच इसदा होर वाधा हो जाएगा। वैसे सिर्फ पंजाब विच ही नहीं बिजली संकट पूरे भारत ते ही आ रहा है। बिजली संकट नाल पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जूझ रहे हन। UP च बिजली दी सप्लाई अते मांग च 3-4 हज़ार मेगावाट दा फर्क है अते MP च 5400 मेगावाट बिजली उत्पादन समर्था पर उत्पादन सिर्फ 2600 मेगावाट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोला अते ऊर्जा मंत्री नाल मीटिंग भी कीती सी अते मंत्रियां ने प्रधानमंत्री नूं भरोसा दवाया सी कि आउण वाले 7 दिनां अंदर मुश्किलां हल हो जाणगियां। पर आखिर कोले दी कमी होई क्यों? इस पिछे सरकार ने वजह दसी है कि भारी बारिश करके सप्लाई ते असर पिया है अते अंतरराष्ट्रीय बाजार च कोला महंगा होया है। आशा है कि आउण वाले दिनां च सूबा सरकारां नूं होर महंगे भाअ ते बिजली खरीदनी पै सकदी है अते नतीजा यह होवेगा कि पहलां तों ही महंगाई दी मार झल रही जनता ते होर बोझ पवेगा। अगली खबर दोस्तों, CM चन्नी दे गुआंढी हलका च जोरां ते नजायज माइनिंग वरते जा रहे कांग्रेस दफ्तर दे टैंकर। पंजाब अंदर भावें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होण चाहे उन्हां दी थां ते नवें लाए चरणजीत सिंह चन्नी, परंतु रेत माफिया नूं किसे दा कोई डर नहीं। कुछ समां पहलां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने उड़न खटोले राहीं गैर कानूनी खड्डां उपर झाती मारन दा ड्रामा कीता सी जिस दा कोई असर सामने नहीं आया। हुण मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दीआं चेतावनियां दे बावजूद पंजाब अंदर शरेआम नजायज माइनिंग हो रही है। हैरानी दी गल इह है कि मुख्यमंत्री दे अपने हलके चमकौर साहिब दे नाल लगदे खेतर समराला दे झाड़ साहिब नेड़े पिंड बहलौलपुर विखे शरेआम पोकलैंड मशीनां चला के रेता कढ़िया जा रहा है। स्थानक प्रशासन भी मुख दर्शक बनिया होया है। करोड़ां रुपए की काली कमाई की जा रही है। हनेरागर्दी तो इन्नी है कि कांग्रसियों वालों माइनिंग लई कांग्रेस दफ्तर के टैंकरां का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रेत माफिया ने इस कदर यह धंधा जारी किया होया कि इसनूं मंजूरी के कागज दिखा के कानून दस रहे हैं जबकि
मंजूरी केवल 10 एकड़ जमीन नू लैवल करन दी लई होई है। लैवल की करना सी इत्थे तां 50 फुट तक खुदाई कर ली गई है। शरेआम माइनिंग पॉलिसी दीआं धज्जियां उड़ाईआं जा रहीआं हन अते नाल ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी बेदाग शख्सियत वाली कार्यशैली दे दावे भी खोखले साबित किए जा रहे हैं। नजायज़ माइनिंग वाली थां दे नाल एक किसान ने दस्सिया कि उन्हां दीआं जमीनां नीवीआं हो गईआं हन, टिपरां नाल खाल टुट जांदे हन, उह तां अपणीआं फसलां बचाउंदे ही रहिंदे हन, तकड़े लोक काम करदे हन, उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं। इस अंजी हुण तक दीआं ताज़ तरीन ते मुख खबरां होर खबरां जानण लई चैनल नूं सबसक्राइब करो अते वीडियो नूं अपने दोस्तां ते परिवार नाल शेयर करना ना भुलना। धन्नवाद।